आप कुछ उपायों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप टैनिंग, झुर्रियों और पिंपल्स, ईचिंग की समस्या से निजात पाएंगे और ऐसी समस्या आपको नहीं होगी। त्वचा लंबे समय तक फ्रेश और तरोताजा रहेगी। स्टेप 1, सबसे पहले चेहरे को ठंडे पानी से साफ करेंगे। हम अक्सर सुबह उठते ही साबुन या फेस वॉश से फेस साफ करने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने चेहरे को बस ठंडे पानी से साफ करना है। ये आपकी त्वचा में रक्त के प्रवाह को तेज करता है। ऐसा करने से आपके चेहरे के पोर्स ओपन होते हैं और जमा हुआ टॉक्सिन दूर होता है। साथ ही ठंडा पानी पोर्स को टाइट करेगा और आपके चेहरे की बनावट में सुधार लाएगा। स्टेप 2, स्किन को सांस लेने दें। ठंडे पानी से चेहरे साफ करने के बाद किसी भी प्रकार के मॉइस्चराइजर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सभी लगातार ज्यादातर ऐसा करने से त्वचा ठीक सांस से नहीं ले पाती, इसलिए सुबह 1 या 2 घंटे के लिए कोई क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे। स्टेप 3, खूब सारा पानी पिए। ज्यादातर महिलाएं अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हैं कि पानी पीना तो भूल ही जाती हैं, इसलिए सुबह उठते ही ढेर सारा पानी या लिक्विड लेना चाहिए, जिससे त्वचा सारे दिन हाइड्रेट रहेगी और दिन भर त्वचा फ्रेश और क्लीन रहेगी। ऐसा कई दिनों तक करने से आपकी त्वचा में निखार आता है, चमक आती है, इसलिए सुबह खूब सारा पानी पिए। इससे त्वचा में रौनक, मुलायम व त्वचा चमकदार होती है, ग्लोइंग इफेक्ट आता है। स्टेप 4, चाय नहीं फायदेमंद ड्रिंक्स ले सुबह आप। इसके लिए सुबह चाय से पहले जीरा, अदरक, नींबू, पुदीना, शहद का पानी, नारियल पानी या कोई भी वेजिटेबल फ्रूट्स जूस, सूप, लस्सी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब ड्रिंक्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो त्वचा को हाइड्रेट रखते हैं। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके त्वचा को ग्लोइंग, सॉफ्ट और निखरी बना सकते हैं और पिंपल्स, एक्नी, झाइयां, टैनिंग, झुर्रियों जैसी समस्याओं से आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं।